डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, उत्तर प्रदेश के मेरठ में अमरोहा में बड़े पैमाने पर NCERT के नकली किताबें छापकर करोड़ रुपए कमाने वाले गैंग के मास्टरमाइंड सचिन गुप्ता को बरेली पुलिस ने शनिवार को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अपने साथ उसे बरेली ले गई है। सचिन गुप्ता NCERT की नकली किताबें छापकर अपने चाचा भाजपा के वरिष्ठ नेता संजीव गुप्ता के साथ मिलकर सत्ताधारी पार्टी के झंडे की आड़ में करोड़ों रुपए का राजस्व को चूना लगा चुका है। मेरठ अमरोहा के बाद हाल ही में मारे गए छापे में पुलिस ने बरेली से राजीव गुप्ता को गिरफ्तार किया था। राजीव ने बताया था कि इस गिरोह में मेरठ के सचिन गुप्ता, पीयूष कंसल, सोनू और राहुल गुप्ता शामिल हैं। सचिन गुप्ता भाजपा महानगर के उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता का भतीजा है। मेरठ में खासी फजीयत होने पर संजीव गुप्ता को पदमुक्त कर दिया गया था। यह बात और है कि संजीव गुप्ता को भाजपा के VVIP मूवमेंट में बेहद करीब से देखा जा सकता है। मेरठ फैक्ट्री में अप्रत्यक्ष रूप से तत्कालीन कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल के बेटे की भागीदारी भी बताई जाती रही है, हालांकि वह बराबर इसका खंडन करते रहे हैं। बरेली में यह छापा भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में मारा गया था। STF ने गिरफ्तार राजीव गुप्ता के हवाले से जानकारी दी थी कि नकली किताबें छापने में मेरठ माधवपुरम निवासी अवनीश मित्तल, सचिन गुप्ता, पीयूष कंसल, सोनू और राहुल गुप्ता की पार्टनरशिप है। बरेली की यह फैक्ट्री पार्टनरशिप में लगाई गई थी। बता दें कि 21 अगस्त 2020 को भी मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में STF ने छापेमारी कर करोड़ों रुपए की नकली किताबें बरामद की थी। ये सभी किताबें NCERT से बिना टेंडर लिए छापी जा रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।